नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मोबाइल से इस प्रकार की एजुकेशन वीडियो बनाना सिखाएंगे, जैसे भी आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखिए यहाँ पर ये वीडियो का पहला पेज हो जाएगा, जहाँ पर आप अपनी वीडियो के बारे में शुरुआत में बता सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए भी कह सकते हैं। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन इस तरह से लिख जाएंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से अपने ऑप्शन भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता सकते हैं। और देखिए आप यहाँ पर अपनी क्वेश्चन से रिलेटेड एक इमेज भी लगा सकते हैं। अगर इमेज लगाना चाहते हो तो यहाँ पर इमेज भी लगा सकते हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार की एजुकेशन वीडियो अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सब कुछ बताते हैं। देखिए मैं यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आपको एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले इन दो इमेजों की आवश्यकता होगी, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही होंगी। मैंने ये इमेज पहले से बनाकर रखी हैं, जिससे आपको वीडियो बनाने में आसानी हो। आपको ये वाली इमेज अपनी वीडियो में ऐसे ही लगा देनी है और आपको यहाँ पर अपना केवल क्वेश्चन लिखना है और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आपको इन चार ऐपों की आवश्यकता होगी, जो आपको सामने ऊपर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आपको इन चारों ऐप्स और उन दोनों इमेजों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाँच क्लिक करके आप इन सभी को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इन चारों ऐपों को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले इस पिक्सेल वेब को ओपन करना है। देखिए जैसे आप अपने मोबाइल में पिक्सेल वेब को ओपन करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको इस नेटवर्क को हटा देना है। इसे हटाने के लिए आपको यहाँ पर इस डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे नेटवर्क हट जाएगा। अब देखिए नीचे आपको यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाकर यहाँ पर फ्रॉम गैली का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल की गैली ओपन हो जाएगी। आपको अपने फ़ोन की गैली में आने के बाद इस इमेज को चूज कर लेना है, जिसे आपने अभी डाउनलोड किया था। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक वाले निशान पर क्लिक कर देना है। देखिए अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर ऊपर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस टेक्स्ट को यहाँ पर ले आकर इसको डबल टैप करना है और न्यू टेक्स्ट को आपको हटा देना है। इसे हटाने के बाद आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिखना चाहते हो उसे यहाँ पर लिख देना है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, इसी प्रकार आप लिख कर यहाँ पर ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए आपको नीचे यहाँ पर इस ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। इस ए वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाना है। आगे जाकर आपको यहाँ पर कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आगे जाकर यहाँ पर रेड वाला कलर चूज कर लेना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रेड वाला कलर चूज कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आगे जाकर यहाँ पर ए वी फॉन्ट लिखा दिखा देगा, आपको यहाँ पर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसे चूज करके यहाँ पर ओके वाली बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर इसका फॉन्ट बदल चुका है। आप देखिए यहाँ पर इसे खींच कर यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं और इसे छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है, इसी प्रकार आपको भी रख देना है। अब देखिए इसके बाद आपको फिर से थी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पर फिर से क्लिक करना है और इसे यहाँ पर ले आकर इस पर डबल टैप करके नेटवर्क को हटाकर यहाँ पर अपने ऑप्शन को लिख देना है। जो भी आप अपने क्वेश्चन के ऑप्शन लिखना चाहते हैं उसे लिख देना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इन चारों ऑप्शन को लिख दिया है। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर स्पेस दे देकर यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने ऑप्शन भी इस तरह से आ जाएंगे। अब देखिए आपको फिर से ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। ए वाले आइकन पर क्लिक करके आपको आगे जाकर यहाँ पर फिर से कलर पर क्लिक करना है। कलर में आपको यहाँ पर आपकी बार ब्लू वाला कलर चूज कर लेना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू कलर चूज कर लिया, इसके बाद आपको टिक वाले आइकन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको आगे जाकर यहाँ पर ए वी फॉन्ट पर क्लिक करना है और इसका फॉन्ट फिर से बदल देना है जो भी आपको अच्छा लगे और यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके रख देना है। जैसे देखिए मैंने रख दिया है, इसी प्रकार आप भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन में कोई भी यहाँ पर इमेज लगाना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रॉम गैली पर क्लिक करके आप जो भी इमेज लगाना चाहते हो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपको इमेज को नहीं लगाना है, ऐसा ही रखना है, तो आपको यहाँ पर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सेव टू गैली पर क्लिक कर देना है, जिससे आपकी इमेज गैली में सेव हो जाएगी। अब देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन आपके फ़ोन की गैली में सेव हो चुका है। अब देखिए आपको यहाँ पर फिर से इसी क्वेश्चन पर क्लिक करना है, उस पर डबल टैप करके इस क्वेश्चन को हटा देना है और आपको अपना कोई दूसरा क्वेश्चन लिख देना है। आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिख देने के बाद यहाँ पर ओके वाली बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिख दिया है। आपको बार बार कलर अथवा फॉन्ट बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप यहाँ पर डबल टैप कीजिए और देखिए आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन हटाकर और देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख दीजिए और ओके वाली बटन पर क्लिक कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन को बदलने के लिए फिर से आपको ऑप्शन पर डबल टैप करना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन को हटा देना है। केवल ऑप्शन को आपको हटाना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन को हटाया है और देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन बदल दिया है, इसी प्रकार आप यहाँ पर क्लिक करके ऑप्शन को बदलते जाना है। आपको यहाँ पर केवल इतना ही हटाना है। जैसे देखिए मैं हटा रहा हूँ, इसी प्रकार आपको भी हटाना है।
आपको ऑप्शन बदल देने के बाद फिर से कोई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन भी लिख चुका है, इसे सेव करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका दूसरा क्वेश्चन भी सेव हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार आपको सेव करने के बाद अगला क्वेश्चन लिखने के लिए इसी क्वेश्चन पर डबल टैप करना है और आपको केवल इस क्वेश्चन को हटाना है और यहाँ पर आपको अपना दूसरा क्वेश्चन लिखना है और ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर ऑप्शन बदलने के लिए ऑप्शन पर डबल टैप करना है और एक एक ऑप्शन को हटाते जाना है और बदलते जाना है, ओके वाले बटन पर क्लिक करते जाना है। अब देखिए आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिख लेने के बाद इस इमेज टू PDF ऐप को ओपन करना है, जो आपको दूसरे नंबर पर दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर गैली वाला आइकन दिखेगा, आपको यहाँ पर गैली वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पिक्सल ऐप वाला फोल्डर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर पिक्सल ऐप वाले फोल्डर पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इस इमेज को चूज कर लेना है, जिसमें मैंने सब्सक्राइब बटन लगाया हुआ है, जो पेज मैंने वीडियो में सबसे पहले लगाने के लिए बताया था, जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको अपने क्वेश्चन को एक एक करके चूज कर लेना है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है। सभी क्वेश्चन को चूज कर लेने के बाद आपको यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना है, जो आपको यहाँ पर कोने पर आइकन दिख रहा होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर अपने PDF का कोई भी नाम दे देना है। नाम दे देने के बाद आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे आप यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक करोगे, आपका देखिए यहाँ पर PDF बन जाएगा और आपको यहाँ पर बैक आ जाने के बाद यहाँ पर जनरेटेड PDF का ऑप्शन दिखाई देगा। अब देखिए आपको यहाँ पर इसे बीच से कट कर देना है। बीच से कट कर देने के बाद आपको ये तीसरा वाला ऐप AZ स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन कर लेना है। देखिए जैसे आप इस AZ स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन करोगे, आपके सामने ये लाल वाला आइकन दिख जाएगा। आपको देखिए यहाँ पर ये लाल वाला आइकन दिख रहा होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर फिर से इमेज टू PDF ऐप को ओपन करना है और आपको यहाँ पर जनरेटेड PDF पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपने यहाँ पर जो भी अभी PDF बनाया था उसी PDF को क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इस PDF को ओपन कर लिया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे थे, दो क्वेश्चन भी आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये पहला पेज भी आ चुका है। अब देखिए इस तरह से आपको अपने मोबाइल को रोटेट कर लेना है, जिससे देखिए यहाँ पर ये PDF भी रोटेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर अभी वीडियो को रिकॉर्ड करोगे तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर से आ जाता है, आपको यहाँ पर दिख रहा हो। जैसे देखिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, देखिए यहाँ पर ये ऊपर से आ जाता है, ये टाइमर भी आ जाता है। आपको केवल यहाँ पर इस तरह से अपना क्वेश्चन ही दिखाना है। इसके लिए आपको यहाँ पर इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ओपन विद पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर ओपन विद लिखा दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर Adobe Acrobat पर क्लिक कर देना है। जैसे आप Adobe Acrobat पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा और आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेज बाई पेज पर क्लिक कर देना है, जिससे देखिए यहाँ पर आपका देखिए इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरह से आपके क्वेश्चन नेक्स्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर अपना पहला पेज ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये पहला पेज ओपन है। अब देखिए आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए इसी लाल वाले आइकन पर क्लिक करना है, जो आपको यहाँ पर लाल वाला ये आइकन दिख रहा होगा। अभी आपको यहाँ पर सेकेंडें चलती दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसे पहले ही ओपन कर रखा है। जैसे आप इस लाल वाले आइकन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने इस तरह से सेकेंडें चलने लगेंगी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बाद आपको इसी लाल वाले आइकन पर फिर से क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये आइकन दिखेगा, आपको यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ब्रश को इनेबल कर लेना है। आपको यहाँ पर ब्रश इनेबल कर लेना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये ब्रश इनेबल कर लिया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर ब्रश पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेना है। आप यहाँ पर उंगली से इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वीडियो में शुरू में कुछ बोल देने के बाद आपको यहाँ पर इसी ब्रश को कट कर देना है। अब देखिए आपको यहाँ पर ब्रश को कट कर देने के बाद अपनी फिंगर से इस क्वेश्चन को ले आना है। देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आ चुका है और आपको यहाँ पर फिर से ब्रश पर क्लिक करना है। ब्रश पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर ब्रश इनेबल हो चुका है। आप यहाँ पर डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर ब्रश को साफ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन बोल देना है और आपको सही ऑप्शन भी बोल देना है। जब आपका क्वेश्चन बोलकर कंप्लीट हो जाए, फिर से आपको यहाँ पर डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करके इस सारे ब्रश को हटा देना, जो आपने यहाँ पर चलाया था इस हट जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर कट वाला आइकन दिखेगा, जिससे देखिए यहाँ पर ये ब्रश हट चुका है। अब देखिए आपको यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन ले आना है। देखिए मैं यहाँ पर फिर से ब्रश पर क्लिक कर दिया है और आपको यहाँ पर इस तरह से अपना दूसरा क्वेश्चन भी बोलकर यहाँ पर अपना ऑप्शन भी बोल देना है। और देखिए आपको यहाँ पर पहले डिली वाले आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आपका देखिए जो आपने ब्रश चलाया था वो हटता जाएगा। और आपको कट वाले आइकन पर क्लिक करके आपको अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाना है। और आपको फिर से अगला क्वेश्चन बोलने के लिए यहाँ पर ब्रश को इनेबल करना है और आपको यहाँ पर इस तरह से अपना क्वेश्चन बोलते जाना है। और जब आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चन रिकॉर्ड हो जाएं, उसके बाद आपको यहाँ पर इस लाल वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस बीच वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस बीच वाले आइकन पर क्लिक करोगे, आपने यहाँ पर जो भी वीडियो रिकॉर्ड की होगी आपके फोन में सेव हो जाएगी। इस तरह से आपकी वीडियो बनकर रिकॉर्ड हो जाएगी। अब आप अपनी इस वीडियो को यूट्यूब पर आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को जरूर पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लें। और आपको इतना करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स जरिए पूछ सकते हैं।